ये जो नींबू है, निमोरा निमोरा निमोरा, ठीक है, काचा काचा, ये नींबू एक ऐसा फल जो 75 रुपया में हमको दिया है, पर ये अभी भी ये नकली फल, कोई बताएगा ये नकली फल क्यों? अच्छा डायग्राम सीड के साथ, ये है एंडोस्पर्म, ये क्या है? सीड का खाना, ये भी सीड है, और बताओ ये भी सीड है, दोनों में क्या फर्क है बताओ? एक पोलन ग्रेन इस एग से मिल गया, इस प्रोसेस को बोलो जल्दी क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो यार एक दुना तो इससे मिल लिया, दूसरा दुना क्या करे? तो इसको कुछ नहीं समझ में आया, अचानक बेचैनी भरा, तो बोला हम आए तो हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। पैसा खर्चा हुआ, शादी हो गया, अब ये पता ना चाहते हुए भी बुआ से मिलेगा, अभी दो बुआ से। तो एक बार फर्टिलाइजेशन पहले हो गया, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है? डबल। दूसरा बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको क्या बोले? डबल फर्टिलाइजेशन। तो व्हेन एक्स्ट्रा मेल गैमेट फ्यूज विद पोलन निकला, इट इज नोन एज, व्हेन एक्स्ट्रा दुल्हा बाबू फ्यूज विद टू बुआ इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? जैसा कि हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए और इसको वन शॉट के साथ, और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्या है, गोल मिर्च, ये क्या है नींबू, ये क्या है एप्पल, ये क्या है बीट, ये क्या है नारियल, और ये क्या है दाल। ये सारा क्लास 12 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको सजा दिए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं देखना है। तो चलिए बच्चे हम लोग रिवाइज करते हैं जैसे करते हैं। तो एक बार ये बताओ ये क्या है, एंडोशियम है कि गाइनोशियम है, जल्दी बताइए। एंडोशियम है, एंडोशियम में ये क्या है? एंथर है। एंथर में कितना लोब होता है? दो लोब होता है कि चार लोब होता है, जल्दी बताइए। एंथर में दो लोब होता है, दो लोब को अगर कट किए तो कितना सैक दिखेगा? चार। जब ये पोलन सैक है तो इसके अंदर क्या होगा? जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम होगा तो इसके अंदर क्या होगा? कहां से पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा? स्टोमियम और लाइन ऑफ डिहाइसेंस। चलो पोलन का कॉन्सेप्ट क्लियर। ये क्या है? फ्लावर। फ्लावर में कितना रिंग होता है? चारों रिंग का यूनिट बताओ, यूनिट के हिसाब से, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल, कैलिक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। अच्छा कोई भी एक एब्सेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर की इनकम्प्लीट फ्लावर। अब उसके बाद ये जैसा कि तेरा प्यार प्यार प्यार, इसका क्या नाम रखे हम लोग? हुक्का बाद। ये चीज है क्या आखिर में? ये है क्या एंडोशियम की गाइनोशियम? गाइनोशियम में जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते थे? ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? एम्ब्रायोसैक का हम लोग दूसरा नाम क्या रखे थे बताओ? दुल्हन। दुल्हन का घर। दुल्हन के घर में कितना दुल्हन थी? एक। तो थोड़ा देर के लिए मान लो एक है क्या? दुल्हन है। अच्छा दुल्हन की कितनी सहेली थी? दो सहेली का क्या नाम है? सिनर्जिट। अच्छा ये कौन है? याद आया होगा, कौन है? बुआ। बुआ का नाम क्या था? पोलन निकला यहाँ पर। यानी एक दुल्हन के घर में आखिर है क्या? तो पता चला दुल्हन एक है, सहेली बताओ तुम लोग दो है, बुआ कितनी है जिसको पोलन निकला ही बोले, बुआ की बेटी कितनी है? कहानी याद है ना? इसका नाम क्या रखे हम लोग? एंटीपोडल सेल। बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट का जो बच्चा होगा उसका नाम क्या रखे हम लोग? सीड। क्या रखे बताओ? सीड। तो एक बार फिर से देखते हैं ये पूरा एक कहानी, रेडी करें? अब मान लो यहां से पोलन ग्रेन बाहर निकल के स्टिग्मा पे चल जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, जीनोगैमी। क्लियर है? अब जैसे पोलन ग्रेन अगर यहां आ गया, थोड़ा समझते हैं, तो बताओ इसको नरिशमेंट कौन देगा? इसको नरिशमेंट कौन देगा? उसको नरिशमेंट कौन देगा, जल्दी बताओ? स्टिग्मा देगा। अब जैसे स्टिग्मा इस नरिशमेंट को खाएगा फिर क्या होगा, जल्दी बताओ? पोल दुल्हा बाबू, पोलन ग्रेन क्या था याद करो, दुल्हा बाबू क्या होंगे? फूल जाएंगे। अब फूल जाएंगे क्या करेंगे तुम लोग बताओ? सुने थे एक पोलन ग्रेन में दो सेल होता था, एक का नाम क्या था बोलो यार? वेजिटेटिव। एक का क्या नाम था? नहीं नहीं जनरेटिव की कुछ और, जनरेटिव, ठीक है। जैसे स्टिग्मा खाना खिलाता है ये जनरेटिव अचानक से चेंज होगा किसमें? तो पता चला यहाँ पे कितना दुल्हा है? दो। दुल्हन कितनी है? तो कैसे होगा ये जो काली चमचमाती रात होगा, दो दुल्हा और कि यहाँ की एक नया चीज आएगा, डबल, जानते हैं ना आप लोग डबल। तो जैसे स्टिग्मा खाना किसको खिला दिया, जल्दी बोलो? पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन दो दुल्हा हो गया। अब ये पोलन ग्रेन बताओ जाना कहाँ है, बताइए जाना कहाँ है? एक के पास। अच्छा इस एंड को क्या बोलते थे याद करो? चलासा। इसको क्या बोलते थे? माइक्रोपाइल। अब यहाँ से पोलन ग्रेन एक रास्ता बनाएगा, याद आया वही जैसे दुल्हा बाबू एक फरमाइश करता है कि कालीन बिछाओ कहाँ तक? दुल्हन के गेट तक। अब इस पोलन ग्रेन देखो, यहाँ से पोलन ग्रेन कितना मेल गैमेट है? दो। कितना ट्यूब निकलस क्यों आगे है बताओ? बता दो तो जान जाए, नीट का क्वेश्चन। किससे फ्यूज हो जाएगा? सिनर्जी से फ्यूज हो जाएगा। तो बचेगा कौन फिर? एक। अब यहां से इमेजिन कीजिए कैमरामैन, यहां से दो मेल गैमेट, कितना? दो मेल गैमेट और एक एक, यानी दो दुल्हा और एक दुल्हन। यही कहानी है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का। दुल्हा कितना है?
दो, दुल्हन कितना है एक, सहेली में यहाँ पे ड्रामा होगा। तो अब जैसे ये दो दुल्हा, ये दो दुल्हा को पता नहीं दुल्हन कहाँ है, ये दुल्हन का रूम है, दुल्हन यहाँ है, पर ये ना ऊपर से आता है मिलने, कहाँ से, ऊपर कौन है, बुआ की बेटी, मिलना किससे है, मिल किससे रहा है, तो बुआ का बेटी अचानक से ऐसे धक्का मारेगा, क्या मारेगा बोलो, इसी अब बोलेगा क्या, एक डायलॉग मारेगा क्या, चला जा मेरी नजर से दूर हो जा, इसीलिए इस इंड का नाम हम लोग क्या बोल दिए, चला जा इंड, एक कहानी है। अब यहां से दोनों दूल्हा बेशरम होके कहां आएगा बताओ, क्योंकि पोलैंड गेन कैसा है, ठीक है ठीक है, पोलैंड गेन अब कहां आएगा जल्दी बताओ, एक के पास, तो एक पोलैंड गेन इस एग से मिल गया, इस प्रोसेस को बोलो जल्दी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यार एक दूल्हा तो इससे मिल लिया, दूसरा दूल्हा क्या करे, तो इसको कुछ नहीं समझ में आया, अचानक बेचैनी भरा, तो ये बोला हम आए तो हम यहां से घर नहीं जाएंगे, पैसा खर्चा हुआ, शादी हो गया, अब ये पता ना चाहते हुए भी बुआ से मिलेगा, अभी दो बुआ से, तो एक बार फर्टिलाइजेशन पहले हो गया और यहां पे अब क्या हो रहा है, डबल, दूसरा बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको क्या बोले, डबल फर्टिलाइजेशन। तो व्हेन एक्स्ट्रा मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर निकला इट इज नोन एज, व्हेन एक्स्ट्रा दुल्हा बाबू फ्यूज विद टू बुआ इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, वन मेल वन दुल्हन फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, पूरा क्लास जानते हैं 12 वाले जाइगोट, ये जाइगोट लगातार डिवाइड करके क्या दे देगा, सीड, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो के बाद क्या बनेगा, और ये क्या करेगा बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन फिर क्या करेगा, पेन बनाएगा, पेन है क्या, कोई बताने वाला है पूरा क्लास में कोई, पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बाद में ये क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म, क्या बन जाएगा, अब पूरा दुनिया जानता है सीड का खाना क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या है, नारियल, क्या है, दाब है कि नारियल है, दाब नहीं, दाब है कि नारियल है, नारियल है इस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेलुलर एंडोस्पर्म, इसको समझेंगे। तो चलिए देखिए, अब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बताएंगे ये क्या है, जल्दी बताओ संजना, ये है क्या, ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर किसका एग्जाम्पल है, अच्छा क्यों, अच्छा इस गोल मिर्च या जो जिसको आप ब्लैक पेपर बोलते हैं, ये सीड है कि नहीं, सीड है, सीड का खाना जनरली क्या होता है, एंडोस्पर्म, पर यहाँ पे खाना क्या है, कोई बताने वाला है, पेरिस्पर्म, मतलब क्या इस पे खाना क्या होगा, न्यूसिलस होगा कि कुछ और होगा, कि रेमिनेंट पार्ट ऑफ न्यूसिलस होगा, यानी जनरली आप लोग कहना चाहते हैं ओव्यूल का खाना है न्यूसिलस, और बताइए सीड का खाना है एंडोस्पर्म, पर ये एक ऐसा सीड है जिसका खाना है न्यूसिलस, कहानी क्लियर। अब यहां से बताइए अलाफिया, ये जो नींबू है, निमोरा निमोरा निमोरा, ठीक है काचा काचा, ये नींबू किसका एग्जाम्पल होगा, लाफिया तुमको बताना, ये नींबू किसका एग्जाम्पल होगा, पोलीम, व्हाट इज अ पोलीमरानी बताओ, पोलीमरानी अब है क्या, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, अच्छा अब हमको मनीषा बताएगी इसमें कैसा टाइप का प्रेजेंटेशन दिखता है, एक्सियल प्रेजेंटेशन, अगर इसको काटे तो तुम बोल रहे हो एक से ज्यादा एम्ब्रॉय होगा ना, यानी एक से ज्यादा सीड होगा ना, कंफर्म होगा, कभी नींबू काटे आप लोग, काटे होंगे, बहुत कुछ काटते हैं आप लोग, नींबू नहीं काटते हैं, अगर इस नींबू को काटे तो ध्यान से देखिएगा इसके अंदर कितना सीड दिख रहा है, एक से ज्यादा सीड है, यानी एक से ज्यादा एम्ब्रायो रहा होगा तो एक से ज्यादा क्या है, सीड है, यानी बच्चा बहुत है इसके पास, नींबू के पास बच्चा एक है कि एक से ज्यादा है, और इसमें जो ऐसा लाइन दिख रहा है, इसको चारों टुकड़ा में काटोगे ना, देखो ये जो लाइन है ये प्लेजेंटा का लाइन है, किसका लाइन है, ये नीट का 2018 का क्वेश्चन था, कैसा प्रेजेंटेशन शो करता है, तो आंसर क्या देना है, एक्सियल, नींबू देखो दो कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या क्या बताओ, एक पॉलीमराइनी और दूसरा एक्सियल प्रेजेंटेशन। अब हमको आंसर देगी मनीषा, एक ऐसा फल जो 75 रुपये में हमको दिया है, पर ये अभी भी ये नकली फल है, कोई बताएगा ये नकली फल क्यों है, क्योंकि इसका थैलमस फ्रूट में चेंज होता है, जनरली हर फल का आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बचपन से सुने ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, पर ये पहला ऐसा फल है जिसका एक फूल का पार्ट फल बन जाता है, यानी ये चीजें हम खा रहे हैं क्या चीज है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अच्छा यानी इसके अंदर ओवरी होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ये कट चुका है, इसके अंदर क्या होना चाहिए तुम लोग बताओ, अब देखो एकदम बड़ा अच्छा डायग्राम सीड के साथ दिख रहे हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर अभी भी क्या है, ओवरी भी दिख रहा है, और तो ये जो खाते हैं ये क्या है, ये एक फूल का पार्ट है, वीडियो में सबको समझ में आना चाहिए, थैलमस है, क्या है, तो थैलमस किस में चेंज हो गया, फल में,
इसलिए किसका एग्जाम्पल है, फॉल्स फ्रूट। ये भी नीट का कभी क्वेश्चन रहा करता था, यहाँ पे एप्पल बर्बाद हो गया और ये हम देंगे आकाश सर को जो एक फल खा सकते हैं। बड़े आगे फिर वही, ये भी आपको पता है निश्लत का खाना है, ब्लैक पेपर, गोल मिर्च और क्या बीट, इसको काटते नहीं, घर में काम आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा नाटक नहीं करना, ठीक है। और ये है एंडोस्पर्म, ये क्या है, सीड का खाना, ये भी सीड है, और बताओ ये भी सीड है, दोनों में क्या फर्क है बताओ। ये जनरली कुछ महंगा खरीदते तो फोड़ते हैं, नहीं ऐसा कुछ मत बोलना, ये पानी पेट हल्का करने के लिए फोड़ते हैं, नहीं बताओ बताओ, बायो वाले कुछ कॉन्सेप्ट दीजिए, व्हाट इज एंडोस्पर्म, फिर से बताइए, सीड का खाना, तो ये कैसा एंडोस्पर्म होगा, इसमें कैसा एंडोस्पर्म होगा, क्यों क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, अच्छा फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या, इसमें से सेल वाल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, अच्छा कि इसमें सेल वाल का, इसमें जो नारियल ले लो चिल्लाता है, जो सादा सादा खाते हैं वही है एंडोस्पर्म, वो किसका खाना है, वो किसका खाना है, सीड का खाना, किसका खाना है, तो इसमें किसका खाना रखा रहता है, इसको हम लोग फोड़ देते हैं, जो फोड़ना नहीं चाहिए। और ये दाब का पानी पानी पानी, ये भी सीड का खाना है, ये एक ऐसा सीड है, देखो एक ऐसा बच्चा है जो पानी में कभी नहीं डूबता है, इसको पानी में डाल के देखो डूबेगा नहीं, ये तैरते रहेगा, इसका सीड डिस्पर्शल बहुत अच्छा होता है, समझ गए सारा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।